अगर ये छोटा सा टॉपिक, बस इतना सा, ये देख लो, अगर ये इतना सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा ना सही तो 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उड़ जाएगा। आप कोई न्यूमेरिकल ठीक ही नहीं कर पाओगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बस इतनी सी बात है ये। तो आपको अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सुनना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस इसी का आंसर दे रहा हूँ कि 9 वोल्ट की बैटरी बाहर 9 वोल्ट क्यों नहीं दे पा रही। तो करें स्टार्ट। ठीक, देखो तो टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए एक पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास ये एक बैटरी है, एक अरेंजमेंट लेते हैं और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बल्ब भी हो सकता है, वायर भी हो सकती है और ये बैटरी है। बैटरी के अंदर हमने क्या डाला था? इलेक्ट्रोलाइट। और बैटरी के अंदर क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स। तो जब कोई करंट इसमें से पास होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें से निकलेगा तब वायर में जाएगा, ऐसे घूमेगा। तो जब वायर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो फिर कोलिजन्स होती है मेटल आयन के साथ, तो रेजिस्टेंस होती है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा होता है तब भी तो कोलिजन्स होती होंगी, इलेक्ट्रोड के साथ कोलिजन होती होंगी। तो यानी कि बैटरी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? एक रेजिस्टेंस। जो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करते हैं और उस रेजिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर को इंटरनल बोलते हैं, बैटरी के बाहर को एक्सटर्नल बोलते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? और टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस दोनों का सम होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस इंटरनल और इंटरनल होने का रीजन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। इसका सिंबल छोटा आर, एक्सटर्नल का सिंबल बड़ा आर। इसको छोटा बाहर ड्रॉ कर दो, अंदर ड्रॉ कर दो, बस पता होना चाहिए कि आपने इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया। क्लियर है? अब मान लो बैटरी ने करंट सेंड करना है, करंट कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन भाग के, जब आपने कनेक्ट किया था इलेक्ट्रॉन भाग के नेगेटिव से पॉजिटिव एफिशिएंसी पूरा करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑपोजिट होगा। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद हो गया यहाँ तक? अब इस केस में आप इमेजिन करें, ये बैटरी मैंने 10 वोल्ट की ली थी, इस पर लिखा था भैया 10 वोल्ट की बैटरी है, तो मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट लगा लिया। कंपनी क्लेम करती है 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट का मतलब जब ये बनी थी तो इसमें दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था और कितना था? 10 वोल्ट था। लेकिन जब इसमें से करंट निकला तो ये इसका टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं रहा। अब इसको समझते हैं ऐसे कैसे। इसको समझने के लिए आप एक पॉइंट को देखें कि सपोज आपके पास देखो, मान लो ये आपके पास कोई एक सर्किट है, ये रहा, ठीक है, ये मैंने बनाया, इसमें दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब वो बनी थी तो कितनी थी? 10 वोल्ट। इसको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देते हैं? ईएमएफ। तो ई की वैल्यू कितनी थी? 10 वोल्ट थी, इसको ईएमएफ बोलते हैं और ईएमएफ हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इसमें से करंट निकल गया, अब ये रेजिस्टेंस इस बैटरी को कहता है यार तू मेरे को वी दे दे। तो मैंने कहा भाई वी कैसे दे दे? तो वो कहता है जैसे आपने कैपेसिटर को दिया था, मुकाबला कैपेसिटर से कर रहा है। कैपेसिटर को कैसे दिया? ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर था, याद करो ये बैटरी थी और कैपेसिटर में क्या प्रिंसिपल यूज़ किया था हमने कि अगर ये 10 वोल्ट है, ये प्लस है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी सेम पोटेंशियल पे, अगर ये नेगेटिव है तो सेम पोटेंशियल पे, तो अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो इनके अक्रॉस भी 10 है। तो उसने कहा जैसे इसको 10 दिया मेरे को भी 10 दे दे।
वही सेम पॉइंट है, फर्क तो है नहीं कोई भी, तो आना तो 10 ही चाहिए था। अब ये बैटरी बोलती है यार मेरी ना एक मजबूरी हो गई है, आज ही मजबूरी हुई है, पहले नहीं थी फर्स्ट चैप्टर में। क्या मजबूरी है? कि मेरी लोगों को क्या पता लग गई, इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले थी नहीं, पहले हम निग्लेक्ट करते थे, हमने स्टडी नहीं की, हमने बात ही नहीं की, तो हमने ली नहीं, जब ली नहीं फिर तो इसने 10 का 10 दे दिया। पर अब क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये बैटरी कहती है जब मेरे अंदर करंट जाता है ना, मेरे रेजिस्टेंस में भी करंट जाता है, तो मेरे अंदर पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब कि अगर मेरे पास मेरे टर्मिनल में 10 वोल्ट है ना, तो I इंटू R कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि तू अब अकेला रेजिस्टेंस नहीं है, अब मेरे अंदर भी रेजिस्टेंस है, अब मेरे को 10 वोल्ट को बांटना पड़ेगा तुम दोनों को। पहले जब स्मॉल R नहीं था तो मैं 10 का 10 कैपिटल R को दे सकती थी, पर क्योंकि अब मेरे साथ स्मॉल R भी है तो मेरे को इसको भी कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको कितना दिया अपने अंदर, 2 वोल्ट, तो इसको इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये भी गया, टोटल कितना था बैटरी के पास, 10, 2 तो हो गया खराब, खराब क्या गया, अंदर ही डेवलप हो गया। अब बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने क्या करना है, भाई बैटरी फिर परचेज करके लाया था कि मेरे को बाहर बल्ब चलाना है, अंदर यूज़ कर रहा है उसका तो मेरी वेस्टेज ही हो गई ना, तो मेरे को बाहर कितना मिला, टोटल 10 था, 2 तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया वोल्ट, 2 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म कर गया, तो बचा कितना, 8 वोल्ट। तो पॉइंट समझ में आया कि इसको कम क्यों मिला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप डेवलप हो गया, जिससे कि आपका बाहर रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कम मिल गया। अब सोचो जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, स्मॉल आर ज़्यादा है, उसका ये प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, तो उस केस में वो बाहर पोटेंशियल को क्या देगी, कम, पर एटलीस्ट 10 तो नहीं दे सकती। जब तक स्मॉल आर बैठा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, तब तक 10 वोल्ट कैपिटल आर को मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है यार हटा दो इसे, लो मत, मत लो, छोड़ दो, तो अगर मैं कहता हूँ छोड़ दो, तो अब बैटरी कहती है ठीक है देख मेरे पास 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी है नहीं, तो मैंने किसको देना है, मेरे पास स्मॉल आर में तो जाने नहीं वोल्ट, अब मैं सारे के सारे तेरे को दे दूँ तो अब कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो इसीलिए कैपेसिटर के केस में इसको पूरे का पूरा कितना मिल गया था, 10 वोल्ट। पर अगर कैपेसिटर में बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती, फिर कभी भी इसको 10 वोल्ट मिल ना पाता। लॉजिक समझ में आया कि बाहर एक्सटर्नल को कम क्यों मिलता है, क्योंकि कुछ वोल्ट खराब हो जाएंगे, खराब को बोलते हैं ड्रॉप हो जाएंगे, किसके अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब कितने ड्रॉप हुए, क्या लॉजिक है इसको समझते हैं। मान लो इन दोनों टर्मिनल्स में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई था और ई की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, ऐसे ही था। लेकिन जब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करना है मुझे, तो ऐसे केस में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस क्या हो जाएगा, I इंटू आर, बताया ना 10 तो होगा नहीं, 10 तो टोटल था, I इंटू आर तो ड्रॉप हो गया, और मैंने I इंटू आर की वैल्यू ऐसी रैंडम अपने मन से क्या ली, 2 वोल्ट, तो इसको कितना, अब ये कितना दे पाएगा बाहर, 8। तो 8 देने का मतलब है, यहाँ पर 8 देने का मतलब है कि बैटरी ये समझा रही है इस रेजिस्टर को, क्योंकि रेजिस्टर बैटरी को पूछ सकता है, भाई देख तेरे टर्मिनल्स में जब तू बन के आई थी तेरे पास 10 था, तू मुझे 8 दे रही है, तो बैटरी ये कह रही है भाई देख मेरे टर्मिनल्स में पहले 10 था, अगर तू मेरे में से करंट बाहर निकालेगा तो मैं I इंटू आर इसको भी दूंगी, अगर तू करंट नहीं निकालेगा तो मैं I ज़ीरो कर दूंगी, तो मेरे टर्मिनल में 10 ही रहेगा। तो कंपनी गलत नहीं कहती कि दो टर्मिनल में 10 वोल्ट है, क्योंकि कंपनी ये 10 वोल्ट बताती है जब आप इसमें से करंट को विड्रॉ नहीं कर रहे, भाई जब करंट ही नहीं ड्रॉ करोगे, स्मॉल आर इंटू आई ज़ीरो ही रहेगा, तो फिर तो 10 ही 10 है। तो कंपनी बेचते हुए आपको क्या बताती है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और आप 9 वोल्ट ले आते हो, पर जो मशीन चलेगी वो 9 वोल्ट से कम पे चलने वाली है, तो कितना कम चलेगी वो डिपेंड करेगा स्मॉल आर के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब मैं ऐसा करूं, ये क्या था ई, ये क्या था आई इंटू आर, तो टर्मिनल्स में
पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट बाहर निकलेगा वो 10 वोल्ट नहीं रहेगा, इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस 8 आना शुरू हो जाएगा जब आपने इन टर्मिनल में से करंट को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब नहीं निकाला तो 10 रहेगा, जब निकाल दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है फिर इन्हीं टर्मिनल्स के क्रॉस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसीलिए इसको मिटा दूं एक मिनट, इसीलिए यहां पर E था पहले, I into R गिर गया, तो अब जो नेट पोटेंशियल आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V। तो इस V को बोलते हैं दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल का नाम हटा दो तो क्या बचा, टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल्स को वर्ड ना क्या नाम दिया, टर्मिनल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझ में आया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करना है, वी से, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करना है, ई से। और वी हमेशा ई से क्या निकलेगा, कम निकलेगा या ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल निकल सकता है। क्लियर है यहां तक? तो वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जब करंट इसमें से निकलेगा तो दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो इसमें वी कितना है, 8 है। जैसे इसमें ये अगर मैं 10 लेता हूं, ये 2 लेता हूं, तो ये क्या आएगा, 8 आएगा। तो अगर दो टर्मिनल्स में 8 है तो इसको भी ऊपर कितना मिलेगा, 8 ही तो मिलेगा, तो यहां पर भी क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर अगर 8 आ रहा है तो ये 8 ही दे पाएगा, 10 नहीं दे पाएगा। अब कैपिटल आर कहते हैं भाई मेरे को भी ओम्स लॉ आता है, मैं चेक करूंगा कि तुमने मेरा पोटेंशियल कितना बन रहा है। तो मैंने कहा चेक कर, तो इसने क्या किया, इसका करंट और अपने रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसने देखा आंसर इसके पास सच में क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो यानी कि ये 8 को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, वी से। तो अगर यहां पर वी आया तो यहां पर वी आएगा, ये V है तो ये भी क्या है, V है। ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये V है तो ये भी V है। तो यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। तो यानी कि V निकालने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका कैपिटल R से पूछ लो कि तू V कैसे निकालेगा, तो कैपिटल R क्या कहेगा, मैं अपने करंट को कैपिटल R से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो V होगा। और अगर यही क्वेश्चन बैटरी से पूछना है कि तू बता टर्मिनल में पोटेंशियल कितना है तेरा, तो बैटरी क्या कहेगी, देखो मेरी वैसे ई एम एफ ई है पर मैं अपने में से क्या माइनस करूंगी, आई इन टू आर, तो जो बचा वो मेरा वी है। तो वी निकालने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, दो, एक पहला तरीका और एक दूसरा तरीका। न्यूमेरिकल में अगर तो कैपिटल आर की फॉर्म में वी निकालना है फिर तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर कैपिटल ई और स्मॉल आर की फॉर्म में निकालना है फिर ये लगेगा। क्लियर है यहां तक? अब सोचो इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, हटा दो, स्पेशल केस, मान लो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। चलो हटाते हैं, ये हटा दें, ये गया, ये भी गया, दो गया, तो V और E में अब कोई फर्क नहीं है। तो अब ये बैटरी क्या कहती है, मेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E, तो कैपिटल R को भी अब क्या मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, E, क्योंकि V और E में कोई फर्क है ही नहीं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि E और V में तब कोई फर्क नहीं होता जब इंटरनल रेजिस्टेंस को लेते नहीं, पर जब इंटरनल रेजिस्टेंस को ले लेते हैं तो फिर V और E डिफरेंट वैल्यू शो करेंगे। कैपेसिटर के चैप्टर में किसी क्वेश्चन में V लगा होता था, किसी में E लगा होता था, और आपने पूछा भी था, मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। वो इसलिए एक बात थी क्योंकि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया ही नहीं। पर आज जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आपको सबसे पहले चीज़ क्या देखनी होती है, क्या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है। क्योंकि अगर तो नहीं है फिर तुम्हारी टेंशन ख़त्म, अगर 10 है तो सबको 10 बांट दो, ख़त्म, अपना न्यूमेरिकल 10 से होगा। लेकिन अगर इंटरनल है तो फिर आपको ई माइनस आई आर करके पहले 10 की जगह वो 8 निकालना पड़ेगा, फिर आपका न्यूमेरिकल आगे 8 से स्टार्ट होगा, एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा आपको। पॉइंट समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आई सेम रहता है, करंट तो पूरे सर्किट में सेम रहता है, ठीक। तो ये देखो
इंटरनल रेजिस्टेंस में आपकी शीट में सेम चीज लिखी हुई है, तो इसमें ये ईएमएफ ई है, 10 वोल्ट है, इंटरनल स्मॉल आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ईएमएफ 10 है, क्या लिखा मैंने, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स इज 10, तो सही हो गया। व्हेन करंट इज नॉट विदड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम ही रहेगा 10। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा जब करंट उसमें से बाहर निकलेगा, ये भी लिख दिया मैंने। और कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर, आई इंटू छोटा आर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे मेरे एग्जांपल में 10 है, ये 2 है, तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये बैटरी का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कैपिटल आर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो कैपिटल आर था उसको आई इन टू कैपिटल आर मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी क्या होगा, वो भी इसमें वी ही रहेगा, वो भी इसमें वी रहेगा। वैसे ये गलत लिखा होगा, इसमें 8 होना चाहिए, ये 2 नहीं है, ये 8 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 है ना, तो कैपिटल आर को भी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 2 की जगह 8 करो यहां पे, सही है ना। आई इंटू कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू 8, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ है, देखो आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है यहां पे। तो इसका मतलब वी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, और दूसरा तरीका वी इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो जिससे मर्जी कर लो, आंसर दोनों में क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब कई बार न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, कई बार ये यूज होगा, कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि V किसके इक्वल है, I इंटू कैपिटल R, क्योंकि V किसके इक्वल है, E माइनस I इंटू स्मॉल R, दोनों को इक्वेट कर लो। तो I इंटू कैपिटल R इज E माइनस I इंटू स्मॉल R, तो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल R इज इक्वल टू E, लिखना ये भी लिख लेना, लिखा नहीं हूं आपकी बुकलेट में। तो I की वैल्यू विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R, ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लें यहीं पे। तो इसका मतलब कि जब आपके किसी भी एक सर्किट में बैटरी लगी हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो, इंटरनल स्मॉल आर हो, तो उस पूरे सर्किट में करंट कितना घूमता है, टोटल ईएमएफ वी नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, अब ई आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल कितनी है, छोटी आर, एक्सटर्नल कितना है, बड़ा आर। तो फॉर्मूला याद रहेगा करंट का, मैं काफ़ी जगह यूज़ करूँगा करंट निकालने का, तो ये तरीका खासकर तब जब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो। क्लियर है, वो कह रहे हैं अगर इंटरनल ना प्रेजेंट हो तो स्मॉल आर को उठा के क्या पुट कर दें, जीरो, तो क्या आएगा, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। क्लियर है, डिपेंड करेगा वो तो, अगर है तो ठीक है, नहीं है फॉर्मूला ये रहेगा दोनों में, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो जैसे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, 10 वोल्ट है, इंटरनल कितनी है, 1 ओम है, एक्सटर्नल कितनी है, कैपिटल आर है। तो पहला रूल, करंट क्या होगा, करंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर,
तो ई कितना है इसमें 10, कैपिटल आर कितना है इसमें 4, स्मॉल आर कितना है, आंसर करंट आ गया। तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। ठीक, अगर मैं पूछूं कि इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 माइनस आई इंटू 1, तो 10 माइनस आई इंटू 1 8 वोल्ट। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे आई इंटू कैपिटल आर, तो भी क्या आएगा 8 वोल्ट। इसका मतलब रिजल्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है, चाहे नीचे से निकाल लो चाहे ऊपर से निकाल लो, आंसर सेम है। तो क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अब ये चैप्टर थोड़ा अगर